हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आप सभी को लाइफ हाई स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बिहार पैरामेडिकल 2021 के काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ 7 जनवरी को यानी कि एक पेपर में कटिंग आया था, जो कि बहुत ही यूट्यूब से लेकर हर एक जगह वायरल हो रहा था और लोगों को संशय भी हो रहे थे क्या दाखिला हो रही है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिहार पैरामेडिकल में दाखिलाओं को 10 तक प्रमाण पत्रों का सत्यापन यानी कि फर्स्ट सेकंड राउंड फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट रिजल्ट के बारे में बता रहा था, जो कि पेपर में गलत न्यूज़ दिया था, जो कि नेट पर भी नहीं था, पेपर ने गलत छाप दिया था और उसका आज खंडन फिर हमने हिंदुस्तान पेपर में देखा है। और ये जो खंडन है, जो स्पष्ट तौर पर यहाँ पर कर रखा है कि यहाँ पर देखें, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, बिहार पैरामेडिकल दाखिला प्रक्रिया हुई स्थगित, यानी कि ये काउंसलिंग स्थगित कर दिया गया है। स्पष्ट लिख दिया है कि वो गलत था, यानी कि आज 8 जनवरी है, देख लिए, जो कि मैं पहले भी बता रखा था कि आपका ये गलत नोटिस था, न्यूज़ था, पेपर में मिस्टेक्स आ गया था। देखिए, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद के डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के तहत पैरामेडिकल व इंटरमेडिक प्रक्रिया स्थगित कर दिया गया। पहला राउंड में शामिल छात्रों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 6 से 10 जनवरी तक किया जाना था, लेकिन यह स्थगित कर दिया, स्पष्ट बोल दिया। यहाँ पर देखिएगा, मोटा मोटी मैं पढ़ रहा हूँ, काउंसलिंग भी स्थगित। राज्य के 38 इंजीनियरिंग कॉलेज में करीब 2500 सीटों अभी भी खाली है। इन खाली सीटों पर एडमिशन के लिए ऑफलाइन काउंसलिंग 8 से 10 जनवरी तक बीसीसी कार्यालय में आयोजित की जानी थी, लेकिन ऑफलाइन काउंसलिंग कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए स्थगित कर दिया गया। यानी कि कोरोना के कारण मद्देनजर रखते हुए ये काउंसलिंग स्थगित किया। जैसे ही नॉर्मल होगा तो आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जब भी होगा नोटिस तब आपको सौसमय पहुँचेगा, नहीं तो फिर आपको छूट भी सकता है, ताकि करके और हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइएगा 87091967291 और डेली लाइव क्लासेस शाम के 7 बजे में आप देखिए, बहुत ही फायदे करेंगे, शाम में लाते हैं आपके लिए पटना से लाइव लाइफ हाई स्टडी के साथ। धन्यवाद।